आज हमारे साथ है होंडा हॉर्नेट 2.0 और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों आपको ये बाइक लेनी चाहिए और क्यों आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक से। फ्रंट से अगर आप इस बाइक को देखोगे तो काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी बुच इसका लुक लगता है देखने में। और जो फ्रंट से एक चीज़ हाईलाइट होती है वो है इसके गोल्डन अपसाइड डाउन फोक्स, जो किसी 150 सीसी बाइक या 200 सीसी बाइक में अभी तक आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। एंड ये आज की बाइक लॉन्च नहीं की है होंडा ने, 2 साल हो चुके हैं इस बाइक को लॉन्च किए हुए, स्टिल अभी तक किसी भी बाइक में आपको गोल्डन अपसाइड डाउन फोक्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। फ्रंट में इसका आपको ऑल LED सेटअप देखने के लिए मिलता है। हेडलाइट जो है वो ऑल LED है, इंडिकेटर्स भी हैं इसके ऑल LED, तो आपको आफ्टर मार्केट कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है LED इंडिकेटर्स या ब्लिंकर्स लगाने की। प्लस इसमें होंडा ने एक और अच्छी चीज़ दी है, हैजार्ड लाइट्स भी इसमें दे रखी हैं, तो आपको हैजार्ड लाइट अलग से ब्लिंकर्स इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, आफ्टर मार्केट ऑलरेडी कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको पेडल डिस्क देखने के लिए मिल रहा है, निसिन के कैलिपर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको इंजन काउल देखने के लिए मिल रहा है जो सिर्फ नाम का है, देख सकते हो आप थोड़ा सा हिल रहा है, तो सिर्फ नाम का है, थोड़ा सा भी इसमें कुछ लगेगा तो टूटने के आसार हैं। यहाँ पे 184 सीसी का यहाँ पे एयर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलता है आपको। देन इसका मिलता है यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट, जो दिखने में ओवरऑल लुक जो है इसका बाइक का थोड़ा सा अच्छा कर देता है। लेट्स सी, जब एग्जॉस्ट की हम बात कर ही रहे हैं तो एक बार एग्जॉस्ट साउंड भी सुन लेते हैं कैसा है इस बाइक का। तो ऐसा है इसका आइडलिंग साउंड, ये तो पटाखे फोड़ रहा है। एग्जॉस्ट है टू बी वेरी फ्रैंक इतना अच्छा नहीं है, इतना बेजी नहीं है। जो इंजन का साउंड है हाई RPM से में वो एग्जॉस्ट साउंड को पूरा का पूरा ओवरपावर कर दे रहा है। मतलब आपको जब आप बाइक चलाओगे तो इंजन का साउंड ज़्यादा आएगा, एग्जॉस्ट का साउंड कम आएगा। पीछे आप साइड में थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पे रेड ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये डेविलिश हॉर्न जैसा लुक इसका दे रहे हैं, जैसे किसी शैतान के, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, शैतान के सिंह जैसे देखने के लिए मिल रहे हैं। बैक में अगेन आपको ऑल LED सेटअप देखने के लिए मिलेगा, हेडलाइट टेल लाइट जो है इसकी LED है, ब्लिंकर्स LED हैं। पीछे से एक और चीज़ जो इस बाइक में हाईलाइट होती है वो है इसका फैट रियर टायर, 140 सेक्शन का टायर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, बट 150 का फील देता है पूरा को पूरा। जो इसका प्रोफाइल है वो हाई प्रोफाइल टायर है एंड काफ़ी मोटा है, MRF का टायर इसमें देखने के लिए मिलता है आपको, तो पीछे का लुक बहुत ही ज़्यादा बेटर कर देता है। एंड इस साइड आप आओगे तो नॉर्मल आपने जैसे सारी कार देखे होंगे तो पूरा जो लुक होता है बाइक का ख़राब कर देता है, बट यहाँ पे होंडा ने काफ़ी अच्छा सारी गाड़ी यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, प्लास्टिक पैनल्स उसमें दिए हुए हैं, तो ओवरऑल ये बाइक का लुक इतना ख़राब नहीं कर रहा। अगर आप इसको रखते भी हो तो भी काफ़ी अच्छा इसका लुक बना देता है। एंड साइड से ओवरऑल जो इसकी हॉर्नेट की बैजिंग है यहाँ पर 2.0 की बैजिंग आपको देखने के लिए मिलती है, ब्लैक में रेड हाईलाइट्स यहाँ पर पूरे दिए हैं होंडा ने। ओवरऑल साइड से, आगे से एंड बैक से लुक काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। तो ओवरऑल जो लुक है बाइक का वो 150 सीसी से ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा बल्कि आपको देखने के लिए मिलेगा। 200 सीसी की बाइक से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो RTR या NS200 से भी ज़्यादा मस्कुलर इसमें आपको लुक देखने के लिए मिलता है। बात करें इसके इंजन की तो इसमें 184 सीसी का एयर कूल्ड इंजन आपको देखने के लिए मिलता है, तो ना ही 150 सीसी का इंजन है ना ही 200 सीसी का इंजन है, बीच में आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है 184 सीसी का, जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर 17 BHP की एंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 16 न्यूटन मीटर्स का। पावर फिगर जो है 200 सीसी के मुकाबले में इतने अच्छे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बात करें NS200 की, वहाँ पे 24 BHP की आपको पावर देखने के लिए मिलती है, इसमें 17 BHP की पावर है। RTR 200 से भी कंपेयर करोगे तो उसमें पावर फिगर्स कम है, बट 150 सीसी बाइक से अगर आप कंपेयर करोगे यामा की FZS से या सुजुकी की जिक्सर से तो उससे आपको ज़्यादा पावर फिगर देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलर पावर फिगर्स आपको TVS की RTR 160 में देखने के लिए मिलते हैं, बट 200 सीसी के बाइक के मुकाबले एक चीज़ होंडा हॉर्नेट में अच्छी है कि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम है, 142 kg जिसका वेट है, तो ओवरऑल जो पावर टू वेट रेशो वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ये ऑन पेपर की बात है, चलिए अभी देख लेते हैं इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी है, चलाते हैं इस बाइक को और फिर बताता हूँ मैं आपको कि ऑन रोड कैसे ये बाइक परफॉर्म करती है। तो चलिए मैं आ गया हूँ राइडिंग मोड में, आप भी आ जाइए कॉकपिट व्यू में। तो जैसे ही आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करोगे, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है, बट ऑल डिजिटल क्लस्टर इसमें देखने के लिए मिलता है आपको। ऊपर टैकोमीटर मिलता है जिसके डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े लिखे हुए हैं, तो आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा, विजिबिलिटी अच्छी है। इसकी स्पीडोमीटर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन है, यहाँ पे टाइम है, फ्यूल इंडिकेटर है, गियर पोजिशन इंडिकेटर भी आपको देखने को मिलता है जो बहुत सारी बाइक्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलता है, जो साइड स्टैंड का है, हाई बीम, ABS, न्यूट्रल, चेक इंजन लाइट इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल स्विच गियर क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं, जो इसका हैंडल है वो ब्लैक्ड आउट नहीं है, थोड़ा मैट फिनिश में सिल्वर इस ग्रेइश कलर में है, जो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। एंड ओवरऑल जो स्विच गियर की फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है, सिंस होंडा जाना जाता है अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि होंडा ने अच्छा जॉब कर रखा है।
जो स्विच गियर क्वालिटी है वो मुझे टॉप नॉच लग रही है। की का होल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, मीटर के आसपास नहीं है, टैंक पे देखने के लिए मिलता है। अभी चलिए करते हैं इस बाइक को स्टार्ट। एंड एक और अच्छा फीचर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है बाइक में, वो है साइड स्टैंड कट ऑफ का। साइड स्टैंड अगर आपका लगा हुआ है तो बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी अगर गियर में है तो। तो साइड स्टैंड से मैं ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी है फर्स्ट गियर में। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको सुना ही दिया, तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करने वाले हैं इस बाइक का वो करेंगे हम इसका 0 to 60 एंड 0 to 100 किलो kmph का टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट द बाइक एंड लॉन्च इट। जो चलाते ही इस बाइक को सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हुए वो है इसका रिफाइन, मतलब जापानीज़ हमेशा अपने जाने जाते हैं रिफाइनमेंट के लिए। एंड सेम ही केस है होंडा हॉर्नेट 2.0 का, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है इसका। अगर मैं इसको 8000 RPM 9000 RPM जो इसकी रेड लाइन है वहाँ भी लेके जा रहा हूँ तो भी मिनिमल वाइब्रेशंस देखने के लिए मुझे मिल रहे हैं। वाइब्रेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हैं। फ्यूल टैंक में यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेशन मुझे देखने के लिए मिल रहा है, हैंडल बार पर तो कोई भी ज़्यादा वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है, हल्के फुल्के वाइब्रेशंस है। तो बहुत ही अच्छी है इसकी रिफाइनमेंट। एंड अभी चेक कर लेते हैं इसकी ट्रैक्टेबिलिटी। थर्ड गियर में हूँ मैं एंड 20 km/h 17-18 kmph पे भी बाइक अगर चल रही है 15 kmph पे भी तो भी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि धक-धक करके बाइक बंद हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छी ट्रैक्टेबिलिटी है। लेट्स सी इस थर्ड गियर को अगर हम पुल करते हैं तो कहाँ तक ये हमको लेके जाता है। ओ oh. 92 किलोमीटर पर आर, मतलब थर्ड गियर में आप 15-16 किलोमीटर पर आर से लेके 90 किलोमीटर पर आर के स्पीड तक जा सकते हो। तो ट्रैक्टेबिलिटी के मामले में मतलब 150cc बाइक्स भी फेल हैं इसके आगे। MT-15 की लास्ट जो ट्रैक्टेबिलिटी हमने टेस्ट किया था सिमिलर उसका आउटपुट ऐसे ही था एंड काफ़ी अच्छी ट्रैक्टेबिलिटी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 150cc से ऑब्वियसली बेटर इसमें आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है, पिकअप उससे अच्छा है। बट अगर आप 200cc बाइक से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको इसका परफॉर्मेंस पिकअप जो है वो कम लगेगा क्योंकि RTR 200 और NS 200 इससे ज़्यादा पावरफुल बाइक्स हैं और उनका पिकअप और परफॉर्मेंस इस बाइक से आपको ज़्यादा फील होगा डेफिनेटली। बाइक का वेट कम है लेकिन ये जो इंजन है इसका सीरियसली अंडर पावर्ड है, तो आपको ऐसा फील जो 200cc एक बाइक देती है स्पेशली NS 200 वैसा फील आपको नहीं मिलेगा। इस बाइक का जो है मिड एंड बहुत अच्छा है, टॉप एंड बिल्कुल इतना अच्छा नहीं है। मतलब 8000 RPM के बाद तो बिल्कुल बाइक पुल करने के लिए मना कर रही है, बट उससे नीचे ऑलमोस्ट 3500 RPM से लेके अप टिल 7000 RPM तक आपको अच्छा पुल देखने के लिए मिलता है। लो एंड भी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट इनफ है, और स्पेशली सिटी के लिए अगर ये बाइक बनाएगी है तो सिटी में आपको लो एंड और मिड एंड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आपको बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि जो रिफाइनमेंट है ना इसकी होंडा की रिफाइनमेंट मैन मानना पड़ेगा काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट है। और अगर आप NS 200 या RTR 200 चलाओगे इस बाइक को चलाने के बाद तो वो मशीन्स आपको ऐसे लगेंगी वाइब्रेशन की दुकान, स्पेशली NS 200। मतलब आपको लगेगा कि पूरे के पूरे वाइब्रेशन है भाई, मतलब 5000 RPM जाने के बाद ऐसे वाइब्रेट करती हैं वो बाइक से पूछो मत। तो ये बात थी बाइक के परफॉर्मेंस की। अभी बात कर लेते हैं इसके राइड एंड हैंडलिंग की। सिंस मैंने बताया आपको कि काफ़ी लाइट वेट बाइक है तो इसकी जो मैन्यूवरिंग है सिटी में वो काफ़ी अच्छी है और हैंडलिंग स्पेशली काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स नहीं मिलते हैं, पूरा पाइप वाला हैंडल बार मिलता है, तो राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है इस बाइक की और फ्लिक करने में आपको मज़ा आएगा। प्लस क्लोज कॉर्नर्स अगर आपको कट करने हैं सिटी में तो इस बाइक में आप अच्छे से कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू NS 200 या RTR 200। 150cc मतलब जो इसकी निम्बलनेस है ना वो एकदम 150cc बाइक जैसी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और बहुत ही निम्बल बाइक है ये। हैंडलिंग के मामले में फुल ऑन 10 नंबर्स मैं देना चाहूँगा हॉर्नेट 2.0 को। अभी बात कर लेते हैं इसके सीटिंग पोजीशन और कंफर्ट के बारे में। जो सीट की कुशनिंग है वो मुझे अच्छी लग रही है, मतलब लॉन्ग टर्म अगर मैं लॉन्ग राइड पे भी इस बाइक को लेके जाता हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। शॉर्ट राइड में मतलब सिटी में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड थोड़ा सा और भगाते हैं इस बाइक को। एट एंड हाफ थाउजेंड RPM 8500 RPM के बाद आपको थोड़े से वाइब्रेशन देखने के लिए मिलते हैं स्पेशली सीट में।
वाइब्रेशन आपको फील होते हैं। पहले तो कोई वाइब्रेशन नहीं है बाइक में भाई, एंड हैंडलिंग की मैं बात कर रहा था, काफ़ी मोटा टायर आपको देखने के लिए मिलता है। तो लीन अगर आपको करना है तो ये देखिए, इजीली आप इस बाइक को लीन कर सकते हो, एंड हैंडलिंग बहुत प्यारी है यार इस बाइक की, बहुत ही ज़्यादा निम्बल है बाइक, और ऐसे देख के मतलब लगता नहीं है। ये देखिए मतलब ईजिली आप इस बाइक को फ्लिक कर सकते हो सिटी में, तो ट्रैफिक में चलाने में बहुत मज़ा आने वाला आपको इस बाइक में। क्लोज कॉर्नर्स कट करने हैं, दिस इज द बाइक फॉर यू। इंजन की रिफाइनमेंट मैन, बार बार मेरा बात इस बाइक को चलाने के बाद जो एक ही चीज़ है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है इसके इंजन रिफाइनमेंट। मतलब बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, होंडा को हैट्स ऑफ टू होंडा, इन्होंने इतना अच्छा रिफाइंड इंजन बनाया है। पावर थोड़ी सी और ये दे देते ना इसमें लिक्विड कूल्ड ऑयल कूल्ड के साथ, तो भाई मतलब NS200 RTR 200 को दिस बाइक वुड हैव गिवन अ टफ कॉम्पिटिशन। बट अभी के लिए परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो NS200 RTR 200 ज़्यादा सेंस बनाएगा लेना, नॉट दी हॉर्नेट 2.0। बट इसकी राइड एंड हैंडलिंग देखो आप, ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं। व्हाट, ब्रेकिंग की बाइट तो मुझे अच्छी लगी, बट जैसे मैं ब्रेक मार रहा था तो एक बार मारने के बाद ये जो इसका हैंडल है मतलब लीवर है थोड़ा सा टाइट सा लगा मुझे, आई डोंट नो व्हाई। सिंगल चैनल ABS मिलता है बाय द वे इसमें आपको, तो पीछे के ब्रेक अगर आप तेज से मारोगे तो बाइक फिसलने का डर है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो बाइक जो है स्किड करेगी पूरा का पूरा जैसे ही आप पीछे का ब्रेक दबाओगे। पीछे डिस्क ब्रेक मिलता है आपको, तो बाइट तो उसकी भी अच्छी है, लेकिन ये है कि जैसे ही आप मारोगे तो स्किड करेगा। फ्रंट की बाइट अच्छी है, और जो इसके सस्पेंशन है ना अपसाइड डाउन, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है भाई। मतलब ये देखो मैं मार रहा हूँ पूरा ब्रेक, और ये जो है पूरा का पूरा नीचे तक लेके जा रहे हैं सस्पेंशन। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभी मैं यू टर्न ले रहा था तो इसका टर्निंग रेडियस भी मुझे बाकी बाइक के मुकाबले काफ़ी कम लगा। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको यहाँ से टर्न लेके, तो बाकी 200cc या 150cc बाइक से इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी कम लगा मुझे, तो सिटी के लिए ये बाइक काफ़ी अच्छा है यार, नो डाउट। ओ गियर बॉक्स की बात करना भूल गया मैं, सिंस मैं भी इसका गियर डाउन कर रहा था, तो काफ़ी मैंने ऑनलाइन ओनरशिप रिव्यू जब हमने बात करी थी काफ़ी सारे ओनर से, तो मैंने सुना था कि इसका गियर बॉक्स में थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन इसकी गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ लगा मुझे, बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि कहीं अटक रहे हैं या कुछ, स्मूथ है एंड काफ़ी क्रिस्प गियर बॉक्स मुझे लगा है इस बाइक का। तो ये थी बाइक के परफॉर्मेंस की बात, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए एक बाइक से तो 200cc बाइक आपको ज़्यादा सेंस बनाएगी लेने के लिए, बट अगर आप एक 150cc बाइक कंसीडर कर रहे थे तो अराउंड 1.5 लाख रुपए कॉस्ट करेगी आपको एक 150cc बाइक, आप उसकी जगह होंडा हॉर्नेट 2.0 को ले सकते हो, क्योंकि आपको 8 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे एंड उसमें आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी 150cc बाइक से। प्राइस की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं प्राइस की, ऑन रोड लगभग ये कॉस्ट करेगी आपको 1,60,000 रुपये, एक शोरूम जो इस बाइक का कॉस्ट है वो करता है अराउंड 1,40,000 रुपये के आसपास। फीचर्स की बात कर लेते हैं कि ये प्राइस देके आपको फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं इसमें। सबसे बड़ा फीचर जो मिलता है जो किसी 150cc या 200cc बाइक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा वो है इसके गोल्डन अपसाइड डाउन फोक्स, जिसकी राइड एंड हैंडलिंग सिटी में स्पेशली काफ़ी अच्छा बना देते हैं एंड काफ़ी अच्छा फीडबैक है इन अपसाइड डाउन फोक्स का। देन आपको मिलते हैं ऑल LED सेटअप, फ्रंट में LED मिलता है, साइड में पीछे भी पूरा LED सेटअप देखने के लिए मिलता है, टेल लाइट और इंडिकेटर्स LED है। पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, मतलब आपकी गाड़ी गियर में है स्टैंड लगा हुआ है तो स्टार्ट नहीं होगी। बाकी बेसिक से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने के लिए मिलता है, दो बटन्स मिलते हैं जो ऑपरेट करने के लिए आपको मिलते हैं, AAA, AAA, एंड बैटरी वोल्टेज दिखाता है, टोटल ऑडोमीटर, तो बस बेसिक से फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो बेसिक से फीचर आपको देखने के लिए मिलते हैं। 150cc बाइक से कंपेयर करें तो सिमिलर फीचर्स हैं, बट अगर आप कंपेयर करोगे इसको 200cc बाइक से स्पेशली RTR 200 से तो बहुत ही ज़्यादा कम फीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बाइक के प्राइस में अगर अराउंड आप 15,000 रुपये और मिलाओगे तो RTR 200 4V आपको मिल जाएगी एंड उसमें भर भर के फीचर्स मिलते हैं। अपसाइड डाउन फोक्स तो नहीं मिलते बट एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं एंड राइडिंग मोड्स GTT बहुत ही ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप इनफैक्ट हमारा RTR 200 का रिव्यू चेकआउट कर सकते हो, उसका ओनरशिप रिव्यू देखना हो तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन की हेल्प से। तो ये बात हो गई फीचर्स की, प्राइस की बात करते हैं इसके माइलेज की। 184cc का इंजन है, होंडा क्लेम करता है कि अराउंड 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये बाइक आपको दे देगी, बट यूजर्स रिपोर्टेड जो
माइलेज है इसका अराउंड 45 किलोमीटर पर लीटर का है, तो सिमिलर माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे सिटी में। हाईवे पे थोड़ा सा अच्छा आपको ये माइलेज और दे देगी। अगर आप अपनी बाइक या कार के माइलेज से परेशान हो या हॉर्नेट 2.0 आप कभी लेते हो और इसका माइलेज बढ़ाना चाहते हो तो आप हमारी फ्री ईबुक चेकआउट कर सकते हो। उसमें हमने 15 से भी ज़्यादा एक्शनेबल टिप्स बताई हैं जिसकी मदद से आप अपने बाइक या कार का माइलेज बढ़ा पाओगे। लिंक उसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। ये थी बाइक की पूरी की पूरी बात। अभी बात कर लेते हैं कि आपको ये बाइक क्यों लेनी चाहिए और क्यों आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्यों आपको ये बाइक लेनी चाहिए। अगर आप कंसिडर कर रहे थे एक 150cc बाइक और आपका बजट था अराउंड 1.5 लाख रुपये, तो आपको ये बाइक बिल्कुल कंसिडर करनी चाहिए। थोड़ा सा बजट आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का, बट वो 8 से 10 हज़ार में आपको 150cc की जगह 185cc का इंजन मिलेगा, जो बाकी 150cc बाइक से ज़्यादा पावरफुल है। एंड आपको मिलेगा ओवरऑल एक 200cc वाला लुक, पूरा का पूरा ऑल LED सेटअप आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और मिलता है आपको होंडा का नाम, होंडा का इंजन रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी। बहुत ही रिफाइंड इंजन है और रिलायबल इंजन है, मतलब इस इंजन को आप, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसको आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हो, कम से कम 5, 6, 8, 10 साल के लिए रखना चाहते हो, तो आपको होंडा की बाइक बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि रिफाइंड बाइक है और रिलायबल बाइक है, कोई भी आपको शिकायत ज़्यादा नहीं आने वाली है। अभी बात कर लेते हैं क्यों आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है जिससे आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए वो है ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस। अगर आप सोच रहे थे कि मैं 200cc बाइक ले लेता हूँ, RTR 200 या NS 200 को आप कंसिडर कर रहे थे, तो आपको वही दोनों बाइक लेनी चाहिए। इससे थोड़ा सा महंगी मिलेंगी आपको, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी इस बाइक से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इसका फीचर्स। 185cc की बाइक है एंड 150cc बाइक से काफ़ी प्राइस भी ज़्यादा है इसका, ऑलमोस्ट 200cc बाइक के कंपैरिजन में है, बट फीचर्स इस बाइक में आपको ज़्यादा नहीं मिलते, बहुत ही बेसिक फीचर देखने के लिए मिलते हैं। वहीं आप कंपेयर करोगे इसको RTR 200 से, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड आपको देखने के लिए मिलती है, तो आपको RTR 200 लेनी चाहिए अगर आपको फीचर्स चाहिए। हॉर्नेट 2.0 इज़ नॉट द बाइक फॉर यू। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। इस बाइक का अगर आप ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हो, कि ओनर से जानना चाहते हो क्या इस बाइक की डे टू डे लाइफ में क्या क्या इस बाइक में प्रॉब्लम आती हैं, क्या इस बाइक की अच्छाइयाँ हैं, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।